है, मैं हूं आपके साथ सुगंधा। पेगासस जासूसी मामले में आज छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा राजीव भवन से राजभवन तक पैदल मार्च निकाला गया, जिसमें पेगासस के द्वारा जासूसी करवाने के मामले में केंद्र सरकार के खिलाफ एवं अमित शाह के बर्खास्तगी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस के नेताओं सहित छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से विधायक, कार्यकर्ता सहित एनएसयूआई के छात्र भी शामिल हुए। पैदल मार्च के दौरान कांग्रेस नेताओं के द्वारा मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते दिखाई दिए। कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में राजीव भवन शंकर नगर से निकलकर मुख्य मार्ग से होते हुए राजभवन तक पहुंचे, जहां पर उन्हें राजभवन के अंदर जाने से पुलिस के द्वारा बलपूर्वक रोका गया, जिसके चलते राजभवन के बाहर निकलकर लोगों ने केंद्र विरोधी नारेबाजी करने लगे। मामले को लस्ता देख कांग्रेस के कुछ बड़े नेता एवं कार्यकर्ता अपने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित राज्यपाल अनुसुईया उइके से मिलने राजभवन के अंदर पहुंचे, जहां पर उन्होंने अमित शाह की बर्खास्तगी को मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। साथ ही साथ केंद्र सरकार पर निष्ठा भंग करने का आरोप लगाते हुए जल्द से जल्द इस पर जांच की मांग की। राजभवन के सामने कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने विरोध का प्रदर्शन विभिन्न माध्यमों से कर रहे थे। कोई ढोल बजाकर मोदी की सरकार के खिलाफ गाना गा रहा था, तो कोई हाथ से झंडा के लिए केंद्र विरोधी नारे लगा रहा था। राज्यपाल अनुसुईया उइके को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के लिए ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें पेगासस जासूसी मामले की जमकर निंदा की गई और साथ ही साथ जल्द से जल्द इसके जांच करवाने की मांग भी की गई। करीब आधे घंटे तक चले राज्यपाल से मुलाकात का दौर खत्म होते ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के प्रमुख मोहन मरकाम सहित सभी नेता बाहर निकल आए और अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन राज्यपाल के हाथों में सौंप इस विरोध प्रदर्शन को समाप्त किया गया। प्रदर्शन के दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, राजमंत्री दर्जा प्राप्त नीता लोधी, रायपुर उत्तर के विधायक कुलदीप जुनेजा, सत्यनारायण शर्मा सहित कांग्रेस के नेता शामिल थे। प्रदर्शन के दौरान वहां उपस्थित राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त नीता लोधी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लोगों की जासूसी करवाने का कार्य अत्यंत ही निंदनीय है। इससे किसी की निजी जिंदगी को सार्वजनिक करने का प्रयास किया गया है, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। साथ ही साथ इस प्रदर्शन के माध्यम से अमित शाह की बर्खास्तगी का काम मांगा गया है। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी ने भी पेगासस जासूसी मामले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि देश के मुखिया को इस तरह की हरकतें शोभा नहीं देती। उन्होंने निश्चय ही बहुत ही निंदनीय कार्य किया है, जिसकी वजह से आज हम सभी कांग्रेस जन पैदल मार्च निकाल विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पेगासस जासूसी मामले की कड़ी निंदा करते हैं। देखिए, मोदी सरकार जो जासूसी कर रही है, भारतीय जासूस पार्टी बन के रह गई है, लोगों के घरों में जाके ये जासूसी करना, जो कि हमारे देश के लिए एक बहुत बड़े खतरे की बात है। और ये आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि देश का सर्वोच्च नेता इस टाइप की हरकत करे, जो बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक बात है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए अपना कम। देखिए, पेगासस मामले में आज की केंद्र की सरकार के लोगों ने चुनाव से पहले रक्षा मंत्रालय और उससे जुड़े लोगों की इन्होंने जासूसी करवाई, वकीलों की जासूसी करवाई, पत्रकार बंधुओं की जासूसी करवाई, केंद्रीय मंत्री की जासूसी करवा के इन लोगों ने धोखा देकर ये किया। लोकतंत्र के इससे ज़्यादा बड़ी हत्या नहीं हो सकती। हम ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राजीव भवन कांग्रेस से राजभवन तक पैदल मार्च किया है और इसका विरोध दर्ज करते हुए बर्खास्त करने की मांग की है। आज 22 जुलाई को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में केंद्र सरकार के द्वारा पेगासस जासूसी मामले को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज पैदल मार्च निकाला गया। पैदल मार्च राजीव भवन से निकलकर राजभवन तक आई है, जहां पर जिनका मेन एजेंडा है कि पेगासस जासूसी मामलों में केंद्र सरकार का संलिप्त होना। इन मामलों को लेकर के छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं और नेताओं में रोष व्याप्त है, जिसके चलते आज उन्होंने प्रदर्शन यात्रा निकाली है और इसके चलते अभी राजभवन के अंदर के कद्दावर नेता और कुछ बड़े नेता वहां पर गए हुए हैं। मैं कैमरा पर्सन को एक बार कहना चाहूंगी कि एक बार यहां पर राजभवन के सामने जुटी हुई भीड़ को दिखाएं, जहां पर लोग अपने कई तरहों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों और गाने गाए बजाए के साथ भी अपने प्रदर्शन को यहाँ पर लोग व्यक्त कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे, अभी हम इस वक्त हैं राजभवन के सामने, जहाँ पर लोगों का
प्रदर्शन जारी है और अभी कांग्रेस के कुछ नेता यहाँ अंदर अभी राजभवन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके जी से मुलाकात करने गए हैं और उनके आने का इंतजार हो रहा है। राजभवन से बाहर आते ही अब देखना ये होगा कि उनके द्वारा दिए गए ज्ञापन और ज्ञापन में लिखा हुआ है कि मोदी सरकार को बर्खास्त किया जाए। इन सारे मामलों को लेकर आज कांग्रेस के द्वारा रैली प्रदर्शन की गई जो कांग्रेस भवन से निकल करके राजभवन तक आई है। देखना ये होगा कि इस प्रदर्शन का केंद्र सरकार पर क्या फर्क पड़ता है। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ अंबिका मिश्रा की रिपोर्ट, रायपुर।